कान्हा की नगरी में हुए जवाहर बाग कांड को आज 2 साल पूरे हो गए। इसी एवज में आज दूसरी बरसी पर शहीद एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ फरे संतोष यादव को श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। इस मौके पर शहीद दोनों अफसरों के परिजनों का दर्द छलक उठा। शहीदों के परिजनों को इस बात की पीड़ा है कि अभी तक दोनों अफसरों की शहादत को उचित सम्मान नहीं मिला है। सबके लिए घटना होगी पर मेरे लिए एक तरह से मेरी हस्ती खेलती जिंदगी का अंत ही था जी। मैं पिछले साल भी आना चाहती थी लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई जगह आने की। कोई उच्च सम्मान इनके यथोचित सम्मान तो मिलना चाहिए कि कम से कम मरने के बाद भी इनकी आत्मा को ये शांति रहे कि मैंने जिस कर्तव्य के लिए अपनी जान दी उससे मुझे कुछ हासिल हुआ, कोई सम्मान मिला चाहे जाने के बाद ही से। वहीं लोग धीरे धीरे जवाहर बाग में अफसरों के बलिदान को भी भूलने लगे हैं। अगर 2 जून नहीं होता तो शायद हम उन्हें याद ही ना करते। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि ये कांड इतना बड़ा होने के बावजूद भी शहीद अफसरों को किसी तरह का कोई सम्मान नहीं दिया गया। शहीद अफसर मुकुल द्विवेदी की पत्नी का कहना है कि चाहे मरने के बाद ही सम्मानित करते तो शायद उन्हें अपने द्वारा किए गए कर्तव्य पर गर्व होता। अब मैं मथुरा की भूमि से ही अपने पति के लिए न्याय की गुहार लगाऊंगी। अपने पति के लिए सम्मान चाहिए जिसके वह हकदार है। जवाहर बाग का नामकरण होना था, स्मारक बनना था, कुछ भी नहीं है लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब आज मैं यहीं से मीडिया के सामने तो मैं कभी भी नहीं आई क्योंकि मुझे इस तरह के किसी प्रोपेगेंडा का या प्रचार का कोई शौक नहीं था। लेकिन आज मुझे आना पड़ा क्योंकि मुझे न्याय चाहिए और अपने पति के लिए सम्मान चाहिए। वहीं जो नेता जवाहर बाग कांड के समय सत्ता में थे वे आज विपक्ष में हैं और जो विपक्ष में थे वे सत्तासीन हो चुके हैं। अब तो गवर्नमेंट भी दूसरी आ गई जो इस घटना की भर्त्सना कर रहे थे बाहर बैठ के, वो अब सरकार में हैं। उन्हें कुछ करना चाहिए कि जल्द से जल्द इसमें सहयोग दे के इस जाँच को पूरा करवाएं। आज जवाहर बाग कांड की दूसरी बरसी पर शहीद एसपी सिटी के परिजन ने वृक्षारोपण के साथ रक्तदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मथुरा से गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज टाइम्स इंडिया।